उसमें इंडिया चाइना एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने अपने आप को एब्सेंट कर लिया ठीक है और इतना याद रखना कि ये जो रेजोल्यूशन था यूनाइटेड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इट हैज स्पॉन्सर्ड बाई दी टू नेशन दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड

हमने कल भी पढ़ा था आज मैं फिर बता देता हूं कि यूनाइटेड नेशन में पांच परमानेंट हैं आपका यूएसए है आपका फ्रांस है आपका इंग्लैंड है आपका चाइना है, है और आपका रशिया है और इन चारों पांचों के पास एक पावर है दैट इज वीटो पावर मतलब अगर कोई भी चीज पास होती है तो अगर पांचों में से किसी एक ने भी वीटो लगा दिया तो वो पास नहीं हो पाएगा इवन वो चारों के चारों कर रहे हैं उस चीज़ का, लेकिन अगर एक ने भी वीटो लगा दिया तो वो पास नहीं हो सकता ने में जो रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया गया था अगेंस्ट देयर एग्रेशन अगेंस्ट यूक्रेन उस पर उन्होंने वीटो लगा दिया तो जिससे जो रेजोल्यूशन पास हुआ भी उससे उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ा एंड okay? एक और इंपॉर्टेंट न्यूज सो अबाउट के uh, कि अब रशियन आर्मी जो है वो यूक्रेन की कैपिटल सिटी में अपना प्रेजेंस दिखा रही है और फाइटिंग अभी भी बहुत ज्यादा जारी है इन द कैपिटल सिटी ऑफ यूक्रेन दैट इज कीव सो दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव दैट इज अबाउट दी द पब्लिक लिस्टिंग ऑफ एल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ओके सो हुआ क्या कैबिनेट ने

100 हमारे पास स्टेक है एलआईसी के हम क्या करते हैं पांच परसेंट कितने प्राइवेटाइज कर देंगे मतलब पब्लिक ऑफर में दे देंगे सिर्फ पांच परसेंट हम अपने पांच परसेंट ऑफ द शेयर बेच रहे हैं और बेच किसी एक पर्सन को नहीं रहे पब्लिक कर दे रहे उसको अब इससे होगा क्या बहुत सारे फायदे हैं लोग बोलते हैं फायदे नहीं है फायदे हैं अब खुद देखो जब आप पब्लिक करते हो तो इन पांच परसेंट के जो शेयर्स हैं उनकी वैल्यू बढ़ेगी है ना शेयर मार्केट में जब पैसा जाएगा तो दो साल बाद अगर रुपए 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 का 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 शेयर शेयर है तो मिनिमम बोल रहे हैं होगा 10%, 20 की ग्रोथ होगी तो, हो तो, तो, हो तो अभी मान के चलते वैल्यूएशन अभी कितनी है? 95 ही है। लेकिन इसने पांच परसेंट गवर्नमेंट क्या इन्वेस्ट पांच परसेंट बेच दिया पब्लिक को अब पांच परसेंट की जो वैल्यू है एक शेयर की वैल्यू वो एक सौ दस रुपए हो गई एक सौ सौ रुपए का था इनिशियली अब लेकिन फाइव है गवर्नमेंट के पास शेयर तो इनका जो सौ रुपए का एक शेयर है वो भी तो एक सौ दस रुपए एक सौ बीस रुपए का हो गया तो ये फायदे होते हैं गवर्नमेंट पूरे तरीके से अपना बेच थोड़ा रही है अब हुआ क्या एक क्वेश्चन पूछा गया गवर्नमेंट से गवर्नमेंट के सामने एक बहुत बड़ा डाउट था उन्होंने बोला कि देखो एफडीआई में ना और oh, सॉरी uh, जब आप आप, आप बेच रहे हो इसी के पांच परसेंट स्टेक बेच रहे हो तो आप किसी एक पर्सन को तो नहीं बेच रहे पब्लिक को बेच रहे हो तो क्या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है एफडीआई हो सकता है हो सकता है तो कितना हो सकता है तो पहले कैबिनेट ने बोला हाँ एफडीआई हो जाएगा कोई भी फॉरिनर इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहे तो कर सकता है कर ले कोई दिक्कत नहीं है इक्विटी मार्केट में कर सकता है ये इक्विटी मार्केट है इक्विटी मार्केट मतलब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदो ऑन बेसिस ऑफ दैट कि फ्यूचर में उस शेयर का प्राइस बढ़ेगा और मैं प्रॉफिट अर्न करूंगा ये होता है इक्विटी मार्केट है ना इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं इसको अब कैबिनेट से जब पूछा गया सरकार से कितना परसेंट एफडीआई आ सकता है तो देख देखा जाए तो गवर्नमेंट तो ये बोल सकती है हंड्रेड परसेंट एफडीआई लेकिन अगर हंड्रेड परसेंट एफडीआई हो जाता तो इसका मतलब ये है कि पांच परसेंट स्टेक एल का कोई फॉरेनर भी खरीद सकता है पूरा का पूरा है ना इस चीज को रोकने के लिए गवर्नमेंट लिमिटेशन लगा के रखती है कि इतने ही लिमिट तक ही एफडीआई होगा बाकी जो रिमेनिंग है वो हमारे देश की जनता खरीदेगी नॉर्मल आदमी खरीदेगा अब हुआ क्या गवर्नमेंट से पूछा तो गवर्नमेंट ने बोला देखो जब हम बात करते हैं तो हमारे यहां ऐसा बोला जाता है कि 20 20% एफडीआई अलाउड है तो भैया इसमें भी 20% ऑफ द 20% ऑफ द एफडीआई इज अलाउड अलाउड अंडर दूवल रूट अब होता है तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है. है ना तो मतलब ट्वेंटी परसेंट में आपको गवर्नमेंट से पैसे लेने की जरूरत नहीं है फॉर दी आई इससे ऊपर का एफडीआई होता है तो उसमें आपको लेने की जरूरत है ओके okay?

उनका यही कहना था कि आप भाई उन्होंने प्राइवेट प्लेयर्स को भी हर्ज किया और स्टेट गवर्नमेंट को भी हर्ज किया क्या हमारे कंट्री में मेडिकल कॉलेजेस नहीं खुल सकते क्या क्या स्टेट जमीन नहीं दे सकती प्राइवेट प्लेयर्स को कि वो मेडिकल कॉलेज खोल सके ये चीज उनका कहना था मूविंग फॉर सिटी की न्यूज नहीं पढ़नी है हम सिटी की न्यूज को स्केप करेंगे So so कर्नाटका में हुआ कर्नाटका में दो चीजें बहुत चल रही हैं अभी वो है एक ही चीज से रिलेटेड आपका हिजाब को लेकर तो हिजाब को लेकर बहुत प्रोटेस्ट चला और हुआ क्या जब हिजाब को लेकर प्रोटेस्ट चला था ना तो शिवमोगा एक जगह है कर्नाटका में वहां पर एक बजरंग दल या हिंदू राइट विंग का एक पर्सन था लड़का ही था यंग यंग लैड आ, आपका हर्षा नाम का उसकी डेथ हो गई अब डेथ उसका मर्डर किया गया है ना अभी कर्नाटका पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है ढूंढ रही है कोई एंगल तो नहीं है कमिनल एंगल तो नहीं है बट अभी ऐसा कुछ निकला नहीं बट ऐसा बोला जा रहा है कि भाई कमिनल एंगल है इसमें लिंचिंग की गई दी मुस्लिम तो अभी ऐसा कुछ प्रूफ नहीं हुआ तो एक एक <coughs> कमिनल वायलेंस होने की स्थिति में था शिवमोगा में लेकिन ऐसा नहीं हुआ एंड अभी देखा जाए तो जो कर्फ्यू टाइमिंग लगाया गया था रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे शिवमोगा में वो थोड़े से ईज डाउन कर दिए गए नॉर्मल से पे आ चुका है ंग फॉर दंडे है तो बहुत आज, आज आपका एडवर्टीजमेंट वाले पेजेस आते हैं सो ऑन द्यूज कोई ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है जो इंडियंस आ रहे हैं ना तो देखा जाए तो अभी स, अभी सुबह जो न्यूज आई है वो सेवन हंड्रेड से भी ज्यादा इंडियंस आ गए बट पहली फ्लाइट जो आई थी उसमें टू हंड्रेड एंड नाइनटीन स्टूडेंट्स को यूक्रेन से ला दिया गया है उनको बोला था कि भैया आप रोमेनिया आ जाओ यूक्रेन के बॉर्डर पे आ जाओ रोमेनिया से हम आपको ले लेंगे फिर वहां से एयर इंडिया का जो प्लेन है वो आपको एवैक्युट कर लेगा और टू नाइन स्टूडेंट्स की न्यूज थी बट सुबह सुबह सात से भी ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स अराइव हो चुके हैं एंड वन मोर थिंग ये ऑपरेशन का नाम याद रखना जो ऑपरेशन है टू ब्रिंग बैक दी इंडियंस दो यूक्रेन द नेम ऑफ द ऑपरेशन इज ऑपरेशन गंगा ओके मूविंग फॉर सो एक मल्टी नेशनल एयर एक्सरसाइज होनी थी नेम द नेम ऑफ द एक्सरसाइज इज कोबरा वॉरियर है ना जिसमें नेटो कंट्रीज बेल्जियम यूके यूएस उसके साथ साथ इंडियन एयरफोर्स भी फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट करने वाली थी इसमें ठीक है जो कि आपका सऊदी uh, अरेबिया में शेड्यूल था लेकिन बिकॉज ऑफ द यूक्रेन क्राइसिस मल्टी नेशनल एयर एक्सरसाइज जो है वो भी कैंसिल कर दी गई मूविंग फॉर दो कल एन वी रमन्ना ने कुछ बातें बोली जुडिशरी से रिलेटेड उन्होंने बोला कि देखो तो जुडिशरी को पैसे की जरूरत नहीं है उसके साथ साथ जुडिशरी में जो वेकेंसीज उनको फिलअप करने की जरूरत है और उससे और उसके साथ साथ और भी जजेस का भी अपॉइंटमेंट जरूरी है मतलब वेकेंसी को फिलअप कर करना है लेकिन उसके साथ साथ हमें और जजेस की जरूरत है है ना ये हाई कोर्ट ये एनवी रमन्ना हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्होंने ये स्टेट किया उन्होंने बोला गवर्नमेंट पैसा गलत दे देती है पैसे से कुछ नहीं होने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब है उसमें हेल्प करे गवर्नमेंट गवर्नमेंट जो वेकेंसीज है फिलअप नहीं हुई है उसको फिलअप करने में हेल्प करे बल्कि काम तो इनका मेजर इन्हीं का ही होता है कॉलेज में इन्हीं का ही काम है और उसके साथ साथ और वेकेंसी को इंक्रीज करना चाहिए हाई कोर्ट्स में और लोअर कोर्ट्स में जिससे जो केस लोड है वो डिक्रीज हो दिस इज समथिंग अबाउट पॉलिटिक्स तो हमें नहीं पढ़ना है बिल्कुल नहीं पढ़ना है एक बार में स्किप करो सो अगेन ऑन नेशनल यूज सो गुपकर अलायंस मतलब जम्मू एंड कश्मीर में जितनी भी रीजनल पार्टीज उन्होंने एक अलायंस बनाया गुपकर अलायंस उनका यही कहना है कि डीलिमिटेशन पैनल जो है वो बीजेपी के प्लान को फेवर करता है ना कि एक प्रॉपर फंक्शनिंग या एक इंडिपेंडेंस तरीके से काम नहीं कर रहा ये एलिगेशन uh, लगाया गया बाई द गुपकर अलायंस गुपकर अलायंस क्या है जब आर्टिकल 370 सेवेंटी हटा था जितनी भी रिलेटेड पार्टीज थी उन्होंने कलाइंस बना लिया था एंड दैट अलाइंस इज नोन एज गुप्कर अलाइंस मूविंग फॉर्दर सो गवर्नमेंट ने परमिशन दे दिया है टू दी आत्मनिर्भर और oh सॉरी टू दी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को 1600 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट कर दिया गया अब इसमें होगा क्या देखो आत्म भारत डिजिटल मिशन के तहत जितने भी सिटीजेंस हैं सब सिटीजन को एक आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर दिया जाएगा है ना अब वो अकाउंट नंबर जो है उसमें सारे आपके डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड लिंक किए जाएंगे है ना और एक लॉन्गिट्यूडल हेल्थ रिकॉर्ड क्रिएट किया जाएगा सारे इंडिविजुअल्स का ऑन वेरियस हेल्थ प्रोवाइडर्स जिससे जो आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं या हेल्थ प्रोवाइडर्स हैं उनको डिसीजन मेकिंग में थोड़ी सी हेल्प मिलेगी अब जैसे कि जैसे कि अभी ऐसा बोला जा रहा है कि आधार को लिंक कर दिया जाएगा सारे कार्ड से तो वैसे ही आपकी जो हेल्थ कंडीशन है एक सिटीजन की हेल्थ कंडीशन है इंडिविजुअल की हेल्थ कंडीशन वो एक कार्ड में दी दी जाएगी डिजिटली रिकॉर्ड बना दिया जाएगा मतलब मुझे पता लग जाएगा जैसे कि मुझे कोविड हुआ था तो मुझे पता लग जाएगा कि लिस्ट हो जाएगा कि मनु मिश्रा को इन दी सेकंड वेव कोविड हुआ था है ना अब मनुष्य को डायबिटीज भी है तो डायबिटीज भी आ जाएगा भाई मनुष्य को डायबिटीज है इस लेवल की डायबिटीज कैंसर है तो इस लेवल का कैंसर है तो एक जगह लिस्ट हो जाएगा तो अगर डॉक्टर को या हॉस्पिटल को चेक करना है मनु का हेल्थ रिकॉर्ड तो चेक कर सकता है तो अब डॉक्टर्स के लिए भी आसानी होगी कि हाँ भाई मनु को ये प्रॉब्लम है और इस हिसाब से मनु को मेडिकेशन देनी है तो ऐसा कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर के तहत और इसका जो मेजर अम्बरेला है वो कौन, कौन कौन सा मिशन है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन नॉट आत्मनिर्भर इस आयुष्मान मूविंग फॉर ऑन दर्ल्ड न्यूज सो रशियन आर्मी ने जो अपना रिस्पॉन्स है वो थोड़ा ब्रॉडन कर दिया उन्होंने बोल दिया कि वी विल टॉक यूक्रेन बट यूक्रेन ने टॉक को रिजेक्ट किया उसके बाद उन्होंने बोल दिया है कि रशिया की जो मिलिट्री है वो सारे डायरेक्शन से यूक्रेन को कैप्चर करने में लग जाएगी और उन्होंने कर भी दिया है कर भी रही है वो मूविंग सो फ्रांस और जर्मनी तो वैसे ही मतलब यूरोप पूरा अगेंस्ट हो चुका है जर्मनी के मेजोरिटी ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज मेजर यूरोपियन कंट्रीज तो फ्रांस ने क्या किया फ्रांस ने एक कार्गो शिप को बाउंड uh, करके रख लिया सीज करके रख लिया क्योंकि उसमें जो कार्स थी व्हीकल्स थी वो रशिया में जा रही थी बेसिकली अब सब रशिया के अगेंस्ट में जा चुके हैं वो विंक् साइंस एंड टेक में इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है एंड आई रिकमेंड कि आप ये खुद पढ़ें ये कहानी है पूरी इसमें कुछ समझाने कुछ है नहीं इसमें सिर्फ यही बताया गया कि रशिया रशिया सोवियत यूनियन टूटा कैसे है ना और और यूक्रेन के बीच में क्या प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम 2008 से हो रही है जब 2008 में क्या हुआ 2008 में यूक्रेन में ना प्रो रशियन गवर्नमेंट थी प्रो रशियन रिजीम था मतलब उस समय के जो प्रेसिडेंट थे टू में उन्होंने वो वो रशिया के रिजीम को सपोर्ट करते थे और यूएसए ने एक एक प्रपोजल दिया था कि यूक्रेन को मेंबर बनना चाहिए नेटो का लेकिन उस समय तो रिजेक्ट कर दिया गया फिर 2014 में विद विधि हेल्प ऑफ यूएस यूक्रेन में रिजीम चेंज की गई और जो अभी के प्रेसिडेंट है वो थोड़े से प्रो वेस्टर्न नेशन है मतलब रशिया के अगेंस्ट में नहीं गए लेकिन वेस्टर्न नेशन की फेवर में बात करते हैं जब रिजीम चेंज की गई तो रशिया ने क्रीमिया पर कैप्चर कर लिया अब उसके बाद थोड़ा सा जो सिचुएशंस खराब हो गई रिलेशन खराब हो गए, गए रशिया और यूक्रेन के बीच में जो कि आपको यही यहां समझाया गया एंड <coughs> फिर जब अभी प्रेजेंट में बात हुई कि नाइटो का मेंबर बनना चाहिए यूक्रेन को तो रशिया ने फिर अटैक करना स्टार्ट किया था वॉर होना स्टार्ट हुआ रशिया और यूक्रेन के बीच में और बाकी ये जो पूरी चीज है ना ये वाला ये सब इसमें समझाया गया कि रशिया मतलब सोवियत यूनियन 1991 में टूटा कैसे ट द रीजन बिहाइंड ऑफ द ब्रेक अवे ऑफ सोवियत यूनियन इनटू टू दिफ्टीन नेशन फिफ्टीन नेशन अलग हो गए थे इसमें लातविया कजाकिस्तान कजाकिस्तान तजाकिस्तान आपका यूक्रेन है ना और भी बहुत सारे नेशंस थे ये जी बताइए पूरी लिस्ट दी गई है ओके okay? इस्तोनिया लातविया लुथेनिया जॉर्जिया अजहरबाइजान उजबेकिस्तान आर्मेनिया ये सारी चीजें एंड या वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज सो ये जरूर पढ़ना आप इसमें जरूर आपको पता लगेगा कि वॉट द रीजन बिहाइंड ब्रेक अवे ऑफ सोवियत यूनियन और उसके बाद लोग बोलते हैं कोल्ड वॉर जो है टू लेकिन खत्म हुआ था आफ्टर द्रेक अवे ऑफ या आफ्टर दिस इंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन तो नाइनटीन नाइनटी वन में खत्म हो गया था उस समय एक डील हुई थी एंड उस डील में यही वॉरसो पैक्ट बोलते उस वॉरसो पैक्ट में यही था कि नेटो जो है वो ईस्टर्न यूरोप की तरफ नहीं आएगा मतलब नेशंस पे नहीं आएगा नेशंस पे कवर अप नहीं करेगा जो सोवियत यूनियन के अलग हुए हैं लेकिन नेटो कहा रुकने वाला था नैटो ने अपना आपके बहुत सारे नेशंस को मेंबर बना लिया आपका लुथोनिया का मेंबर बना लिया बाद में बहुत सारे अभी यूक्रेन पे आने वाला था इस वजह से रशिया ने थोड़ा अपने सिक्योरिटी कॉन्सल दिखाए और बोला कि हम इस चीज को फेवर नहीं करते इसीलिए उन्होंने यूक्रेन में चाहते हैं कि रिजीम चेंज हो वो ये नहीं चाहते यूक्रेन को कैप्चर करना नहीं चाहते वो चाहते हैं चेंज हो जाए दैट्स व्हाट रशिया वांट्स फ्रॉम यूक्रेन बाकी आज ऐसी कुछ न्यूज नहीं है इन दी बिजनेस एंड इवन इन दी स्पोर्ट्स न्यूज जो हमारे के लिए इंपॉर्टेंट हो सो दिस इज लोग कल फिर मिलेंगे विद सम तब तक के लिए बाय बाय गाइस